नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लीलाधर जंगोड़ी जी की कविता वृक्ष हत्या की व्याख्या करेंगे। इस कविता के माध्यम से लीलाधर जंगोड़ी जी ने कटते हुए जंगलों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करने की प्रयास इस कविता के माध्यम से किया है। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले। तो आइए शुरू करते हैं वृक्ष हत्या कविता की व्याख्या। मुझे ही देखने पड़ेंगे अपनी छोटी छोटी आंखों से बड़े बड़े कौतुक। मैं ही हूं वह स्प्रिंगदार कुर्सी के सामने टंगा हुआ बसंत का चित्र। तो यहां पर कवि कहना चाह रहे हैं कि एक स्प्रिंगदार कुर्सी के सामने एक बसंत का चित्र टंगा हुआ है और वो बसंत का चित्र कहता है कि मुझे ही अपनी आंखों के सामने, अपनी छोटी छोटी आंखों के सामने ये बड़े बड़े कौतुक देखने पड़ेंगे, बड़े बड़े तमाशे देखने पड़ेंगे। और वो स्प्रिंगदार कुर्सी के सामने टंगा हुआ बसंत का चित्र कहता है कि ये सभ्यता के नाम पर, मानव जाति सभ्यता फैलाने के नाम पर वनों को लगातार काट रही है और सभ्यता का प्रसार प्रचार करने के लिए उसके नाम पर बड़े बड़े तमाशे हो रहे हैं। और बसंत का चित्र कहता है वे तमाशे मुझे अपनी छोटी छोटी आंखों से मुझे ही देखने पड़ेंगे, मुझे ही झाड़ने पड़ेंगे सब पत्ते, मुझे ही उघाड़नी पड़ेगी एक एक ठूंठ की गई गुजरी आंखें। बसंत का चित्र कहता है कि मुझे ही अपने सारे पत्ते झाड़ने पड़ेंगे और मुझे ही उगाड़नी पड़ेगी एक एक ठूठ की गई गुजरी आंखें। तो यहां पर ठूठ वो वृक्ष होता है जिसके ऊपर कोई भी पत्ते नहीं होते। तो यहां पर कवि कहना चाहता है कि जो भी ठूठ है उसकी एक एक गई गुजरी जो आंखें हैं मुझे उगाड़नी पड़ेंगी, यानी उनकी एक जो ठूठ की आंखें भी मुझे खोलनी पड़ेंगी। यहां पर यह भी प्रयास किया गया कि हम जो अपने सामने इस प्रकार की चीजें, जब जंगल कटते हैं, पेड़ कटते हैं और हम उनको देखकर चुप रहते हैं तो हम भी एक ठूठ हैं और कभी हमारी भी आंखें खोलने का प्रयास करता है, उघाड़ने का प्रयास करता है। सभ्यता फैलाने वाले एक आदमी से मिलकर ऐसा सोचते हुए जब मैं लौट रहा था 15 तारीख वाले दुर्भाग्य के बगल में, देखा कि एक पेड़ अपने युद्ध में हरा हो रहा है। कवि कहता है कि सभ्यता फैलाने वाले एक आदमी से मिलकर, एक आदमी जो ये दावा करता है कि वो सभ्यता फैला रहा है, तथा कथित सभ्यता फैला रहा है वनों को काटकर, तो उस आदमी से मिलकर जब कवि लौट रहा था तो 15 तारीख वाले दुर्भाग्य यानी बुरे भाग्य की बगल में, उसके पास में देखा कि एक पेड़ अपने युद्ध में हरा हो रहा है। और एक पेड़ अपने युद्ध में, युद्ध यानी संघर्ष, एक पेड़ का संघर्ष वो हरा हो रहा है जिसको अभी ठूठ कर दिया गया था, जिसकी शाखाएं काट दी गई थी। वो पेड़ अपने संघर्ष में, जिंदा रहने की जिद में वो हरा हो रहा है। मेरे सामने मक्कारी में बदल गई सभ्यता फैलाने वाले चेहरे की तपस्या। उसने उस वृक्ष को गांजा और कहा यह एक तोरण, एक मंच और एक सिंहासन के लिए काफी है। और जो सभ्यता फैलाने वाला चेहरा था, उसकी जो तपस्या थी, वो कवि कहता कि मेरे सामने वो मक्कारी में बदल गई। कवि कहना चाहता कि वो उसके सामने दुर्दता में बरस गई और उसने उस वृक्ष को गांजा और कहा। कवि कहता है कि उस व्यक्ति ने जो सभ्यता फैलाने का दावा करता था और वो मक्कार था, उसकी मक्कारी पकड़ी गई थी, उस व्यक्ति ने उस वृक्ष को गांजा, उस वृक्ष को गांजा यानी उसको, उसकी टहनियों को काट दिया और कहा कि यह एक तोरण, एक मंच। यहां पर वो सभ्यता फैलाने वाला जो मक्कार व्यक्ति कहता है कि ये जो वृक्ष से को मैंने काटा है, इसकी जो तने को काटा है, पत्तियों को, टहनियों को काटा है, यह एक
तोरण बनाने के काम आएगा, यानी एक बंधनवार बनाने के काम आएगा जिसको हम दरवाजे पर लगाते हैं। ये इससे एक मंच बन जाएगा और एक सिंहासन के लिए काफी है, यानी एक राजगद्दी बनाने के लिए भी ये काफी है। कुल्हाड़ियों के जुलूस से पहले जब वह उसे आंज रहा था, पक्षी आए और बुरी तरह चिचियाने लगे। और वो व्यक्ति, वो मक्कार व्यक्ति जो सब भत्ता फैलाने के नाम पर ढोंग कर रहा था, जब वो कुल्हाड़ियों के जुलूस से पहले, यानी कुल्हाड़ियों ने जब उस पेड़ को काटना शुरू किया, उससे पहले जब वह उसे आंज रहा था यानी कुल्हाड़ियों को की तेज धार को बड़े गौर से देख रहा था, तो पक्षी आए और बुरी तरह चिचियाने लगे यानी कलरव करने लगे, चीखने लगे, क्योंकि पेड़ कट रहा था। इसलिए उस पेड़ की छाव में जो पलते थे, उसके ऊपर जो पक्षी अपने घोंसला बनाने का एक सपना पाले हुए थे, वो बुरी तरह चीखने लगे, चिल्लाने लगे। उसने कहा, पक्षियों का कलरव, पक्षियों का समूह गान सुनो। और उस मक्कार व्यक्ति ने, उस सभ्यता फैलाने का ढोंग करने वाले व्यक्ति ने कहा कि देखिए, पक्षियों का कलरव, यानी पक्षियों का जो कोलाहल है और पक्षियों का ये समूह में जो गीत गा रहे हैं, कितना सुंदर है, इसको सुनो। मैंने कहा, ये अपने घोंसलों के लिए रो रहे हैं, यानी ये कलरव नहीं है। कवि कहता है, ये कलरव नहीं है, ये पक्षी हैं, अपने घोंसलों के लिए रो रहे हैं। यह इस साल के फूल, फल और पत्ते देख रहे हैं इस करवट लेते पेड़ के अंदर, जबकि तुम लकड़ी देख रहे हो। कवि यहां कहना चाहता है कि उस व्यक्ति से, उस मक्कार व्यक्ति से, सभ्यता फैलाने का ढोंग रचने वाले व्यक्ति से, कि तुम इस पेड़ में केवल अपना लाभ देख रहे हो, सिर्फ तुम्हें लकड़ी नजर आ रही है, जबकि इन पक्षियों को इस साल जो फूल लगेंगे, जो फल लगेंगे, जो पत्ते लगेंगे, और वो सब दिखाई दे रहे हैं इस करवट लेते पेड़ के अंदर। करवट लेता पेड़, यानी उस पेड़ को काट दिया गया है, वो पीठ के बल वो करवट ले रहा हो, क्योंकि पेड़ का तना गोल है और वो करवट लेता है, लेते हुए पड़ा हुआ है। आगे कवि कहता है, उछल मेरे रक्त उछल। कवि स्वयं को प्रेरित करने का प्रयास करता है कि हे मेरे रक्त, तुम उछल, ध्वनियों में और भी ज्यादा उछल, इस छल की रक्षा में व्यवधान पैदा कर। और जो ये छल है, किसका छल है? सभ्यता के नाम पर पेड़ों को काटने का, जंगलों को काटने का, इसके विरुद्ध व्यवधान पैदा कर, विघ्न पैदा कर। मुझको एक ही गम है कि जितने भी हो उथल पुथल कम है। तो कवि कहना चाहता है कि मुझे एक ही चीज की गम है, एक ही प्रकार का दुख है, वो दुख ये है कि मैं जितने भी हलचल पैदा कर रहा हूं, वो उथल पुथल कम है। यानी वनों को, वनों की कटाई को रोकने के लिए, सभ्यता के नाम पर हो रहे इस अन्याय को रोकने के लिए, मैं जितने भी व्यवधान पैदा कर रहा हूं, जितने भी उथल पुथल मैं पैदा कर रहा हूं, वो अभी कम है, और भी ज्यादा प्रयास इसके में करने का अभी समय आ चुका है। तो इस कविता के माध्यम से लीलाधर जंगूड़ी जी ने प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया है। और कवि यह भी स्वीकार करता है कि प्रकृति के, पर्यावरण को बचाने के जितने भी प्रयास अभी तक किए गए हैं, वे काफी कम हैं। यहाँ पर अनुप्रास और प्रश्न अलंकारों का सफल प्रयोग किया गया है, और बिल्कुल सहज, सरल और व्यवहारिक साहित्यिक हिंदी भाषा का भी प्रयोग इसमें किया गया है। प्रसाद गुण का सफल प्रयोग यहाँ पर हुआ है, और इसमें आत्मकथात्मक शैली और मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। तो आशा है ये कविता आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।